दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में या कहें कुछ बातों के बारे में जो आपको जिंदगी में कभी नहीं करनी, अन्यथा ये आपको जिंदगी में काफी प्रॉब्लम में डाल सकती है। और ये बातें हमने चाणक्य नीति से ली है। चाणक्य नीति हमें हमारे जीवन को आसान बनाने में और हमें सफल बनाने में मदद करती है। हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है। हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना और अच्छे से समझना। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें मूर्ख लोगों के साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। और दूसरी बात, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। अधिकांश लोग अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में बंध जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमजोरी उन रिश्तों में बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए अपनी कमजोरी किसी से ना बताएं। और दोस्तों तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा, धन वैभव होने के बावजूद भी वे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नर्क बन जाता है। ये किस कारण होता है? सिर्फ हमारे एक दोष के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वह आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे कि नशेबाजी करना, अय्याशी करना, घमंड करना, जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दे, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो तीन बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।